हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट हो चुका है। पंजाब, हरियाणा और न जाने कितने इलाकों से लोग दिल्ली की ओर बढ़ना चालू हो गए हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने किसानों को रोकने के लिए जो बॉर्डर है पंजाब से दिल्ली को जाते हुए जितने भी बॉर्डर, उन सब पे बड़ी बड़ी मिट्टियां डाल दी हैं, बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं और उन्हें सीमेंट भर दिया हुआ है। सड़कों पे कीलिए लगा दी हुई हैं, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं किसानों पर। और इतनी ज़्यादा बॉर्डर पे दिक्कतें कर दी हैं, जैसा लग रहा है कि अब वो देश का हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसा सब क्यों भाई? पिछली बार जो 3 साल पहले आप लोगों ने डिमांड करी थी कि हम इसको लागू कर देंगे सर, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया आपने। तो फिर से किसान जो है अपने इस आंदोलन पर निकले हैं और जैसे जैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, लोग गवर्नमेंट ने जो उनके लिए तैयारी कर रखी है, उनके स्वागत के लिए तरीके से कहूंगी कि, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किससे, जो इंसान धरती से अनाज उगा सकता है ना, वो इस धरती से उसको कितना प्यार है, तो हम उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए जो इतनी कठिनाइयां कर रहे हैं ना वो किसानों के रास्ते में, तो बस। और मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जिसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि फिर देखते हैं ये क्लिप्स में क्या है, क्योंकि बाप रे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं उसको साइड में करते हुए, उसको साइड में करने की यार। कोशिश करते हुए जिसकी लाइफ तक है, इस समय आप देख सकते हैं आंसू गैस के बोले किसी भी समय छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये लाइव तस्वीर समय शंभू बॉर्डर से आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही गवर्नमेंट। देखो इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लेके, मतलब हटाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गंगर नदी नॉर्थ द चाइना बॉर्डर अंबाला का है। अपने ही देश के लोगों के लिए आप दुश्मनी कर रहे हो, वो अपनी ही जगह पर अपने ही देश में ही घूम सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हद है यार। पहले से सारी बंदोबस्त करके रखा हुआ है मैंने। उन किसानों से पूछिए जो अपने घर से निकले हुए हैं, किस आस पे निकले हुए हैं, आप उन्हीं किसानों का खा रहे हैं और उन्हीं से ही आप इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जो बहुत गलत। मतलब जो सेना पर सैनिक खड़ी होती है वो किसके लिए होती है? वो दुश्मनों के लिए होती है, लेकिन आपने अपने देश के लिए ही वो सैनिक ला रखे हैं। मैं तो सिंपल चाहूंगी कि यार देखिए, किसानों को सपोर्ट करिए और गवर्नमेंट से जो भी इनकी डिमांड है प्लीज उसको पूरा करिए, क्योंकि वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी ही चीज जो है वो जो मांग रहे हैं वो आप सबके लिए, हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। और इस तरीके का बहुत गलत, मैं इसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ कि आपने ऐसे ऐसे सीमा पर अपना, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज के लिए। बस इतना कहूंगी, अगर हम सच के साथ है ना तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।